अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट 46 मल्टीप्लाई बाय 54। जैसे कि हमने पहले भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सीखा है कि हमने इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं और विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 46 और 54। यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। 46 और 54 का नियरेस्ट 10 देखें क्या है। 46 का नियरेस्ट 10 कैसे आएगा, 50 माइनस 4 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 50 प्लस 4, ये आ गया 54। फॉर्मूला हमने कौन सा यहाँ पे अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। आप दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। ए प्लस बी मतलब 50 प्लस 4, ए माइनस बी 50 माइनस 4। अब आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। 50 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 50 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है और 4 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 2500 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। यहाँ पे 2500 में से 16 को माइनस करें, 5 से कैरी लें 10, यहाँ रह जाएगा 4, 10 से नेक्स्ट डिजिट के पास कैरी लेके जाएं 10 और ये रह जाएगा 9, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 4 एंड 2। तो आपके पास 2500 में से 16 को माइनस करके आ गया 2484। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 197 मल्टीप्लाई बाय 203। 197 के दो फैक्टर्स कौन से हैं, 200 माइनस 3 करें तो 197 आ जाएगा, 200 प्लस 3 करें तो आपके पास 203 आ जाएगा। फॉर्मूला हमने कौन सा यहाँ भी अप्लाई करना है, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का मतलब है आपकी फर्स्ट वैल्यू यानी 200, b का मतलब है आपकी सेकेंड वैल्यू यानी 3। 200 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 40,000। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 40,000 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 39,991। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। इनके फैक्टर्स कौन से हैं, 1000 माइनस 1 999 आ जाएगा, और 1001 कैसे होगा, 1000 प्लस 1। अगर आप गौर करें ये दोनों डिफरेंट जो हैं वो नंबर्स हैं, लेकिन जब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं तो दोनों सेम होने चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, एक माइनस करके आएगा और एक जो है दो फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा, और एक में फैक्टर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर आएगा। फॉर्मूला लिखें, 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 लाख माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 लाख में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,99,999। आप इसकी जो है सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04। इनके फैक्टर्स क्या है, 1.00 माइनस 0.04, और माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.96। 1.00 में 0.04 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.04। 1.00 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर लिखें, इनका स्क्वायर लें, आपके पास आ जाएगा 1.0000 माइनस 0.04 का स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.0016। 1.00 4 टाइम 0 आपने लिखना है, माइनस करना है 0.0016 में से,
आपके पास आ जाएगा 0.9984। इसकी भी सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 7। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है 7। हम इसकी हेल्प लेते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। हमने लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों का स्क्वायर लेना है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू यानी एक्स और बी का मतलब सेकेंड वैल्यू यानी 1 ओवर एक्स। एक्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू है हमारी एक्स ब्रैकेट सेकेंड वैल्यू है हमारी एक्स प्लस सेकेंड वैल्यू हमारी क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी जो है राइट हैंड साइड वो क्या है 7 स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे एक्स 2 टाइम्स है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर लें 1 ही आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। प्लस 2 को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं, 49 माइनस 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 47 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 47 और यही आपका आंसर है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हमें गिवन है लेकिन फाइंड हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लें, स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, एक्स फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू हमारी बी क्या है 1 ओवर एक्स प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आपके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस 2x, एक्स के सब कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 11। नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 व्हेन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। आपके पास है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, इसकी हेल्प इसी को यूज करते हुए आपने x 4 प्लस 1 ओवर x 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले स्क्वायर लेना है, x स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे आएगा a माइनस बी, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 एक्स फर्स्ट वैल्यू 1 ओवर एक्स सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू हमारी क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा माइनस 2 उधर राइट साइड में जाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। हमें फाइंड करना है एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4, इसके लिए हम क्या करेंगे अगेन टेक स्क्वायर टू बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर
प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों का स्क्वायर लें। अब एक्स स्क्वायर का मतलब है कि हमने एक्स का स्क्वायर दोबारा से ले लिया, प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो हम स्क्वायर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो 2 टाइम्स है, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जब आपके बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या आ गया, 4 प्लस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 1 ओवर एक्स 4 इक्वल टू 9। एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 यहीं पे लिखा जाएगा इज इक्वल टू 9, प्लस 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो आपके पास एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 की वैल्यू क्या आ गई है, 7। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसको नीटली आपने अपनी मैथ्स की नोटबुक पे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।